हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप समझते होंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। गाइस, पेमेंट बैंक अकाउंट में डाल दिया था, लेकिन गाइस यहाँ पर जितने इन्वेस्टर उनके अकाउंट में सभी के मैं नहीं आ पाया, तो कम्प्लीटली जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक दिन को गाइस मैं लाइव आऊँगा 5 बजे के टाइम। गाइस वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, मतलब जिसको जितना पैसा मिला है, जिसको नहीं मिला है, सभी का सोल्यूशन मिलेगा गाइस लाइव में। जिस दिन आऊँगा गाइस मैं आपको बता दूंगा। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और हमारे चैनल में पहली बार आए विजिट कर रहे हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप 70% भाई जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और 30% सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं और गाइस यहाँ पर भाग जाते हैं। यार आप बाद में भूल जाते हो, रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा देना है। हमारे 3K सब्सक्राइबर जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएंगे। तो बिना टाइम से करते हैं वीडियो को वॉच। तो गाइस जो पेमेंट का मसला चल रहा है वो आपको पता ही है कि भाई कितने इन्वेस्टर को पेमेंट मिला है अभी, मतलब 100% में से भी 10% इन्वेस्टर को पेमेंट मिला होगा। तो क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लगा सकते हैं 5500 करोड़ रुपये में ज़्यादा पैसा नहीं दिया है, और बोल देती हैं हमारे पास डाटा नहीं मिला है। तो इन्वेस्टर को डेट भी नहीं देनी चाहिए कि भाई आपका पैसा जब मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर पेमेंट कुछ इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में डाल दिया था गाइस, वो प्रूफ के साथ मैंने आपको भी दिखाया था कि इतने बंदों का इतना पैसा आ चुका था। एक बंदे का 80,000 रुपये आए, मैंने आपको प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट दिखाए, कुछ वीडियो दिखाई, लेकिन जितने भी उसमें मतलब वीडियो देखी उसमें कमेंट यही मिले थे कि भाई फेक न्यूज़ है। भाई फेक न्यूज़ नहीं बन सकता वीडियो, क्योंकि वीडियो प्रूफ के साथ बनती है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फेक न्यूज़ हमें देने में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यार, क्या फ़ायदा फेक न्यूज़ देने से। तो गाइस जो उन बंदों का पैसा था उनको रियल में मिला था, और गाइस यहाँ पर पेमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि पीछे से कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं कितना टाइम कंपनी को हो चुका है, जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। पूरी कोशिश कर रही है वैसे कंपनी आपको पैसा देने के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाई ज़्यादा पैसा भी है इसलिए एकदम से नहीं मिल सकता, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, ये भी बात है। और आप लगा सकते हैं कि भाई रमज़ान में बोला था, रमज़ान भी निकल चुके हैं। तो गाइस मेरे यही कहूँगा कि भाई वेट करते रहो और देखते हैं कि भाई मतलब अगस्त तक पेमेंट मिल पाता है या फिर 2022-23 में ख़त्म हो जाता है। कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा है, भाई अपडेट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इन्वेस्टर तो हैं भाई वो एक्टिव रहते हैं, उनको पता चलता रहता है कि भाई जो हमारा पेमेंट है वो जब तक मिल जाएगा। इन्वेस्टर कोई कुछ पता नहीं है क्योंकि पीछे से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। और गाइस यहाँ पर फ्राइडे के दिन अपडेट मिलता था, लेकिन फ्राइडे निकल चुका है, फ्राइडे के दिन भी अपडेट नहीं मिला है। तो गाइस वेट करते रहिए, अपडेट मिलेगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जिस बंदों का पैसा नहीं आया है तो भाई उनसे मैं यही कहूँगी भाई दुआ करते रहो, आपका जो पैसा है वो फंसने वाला नहीं है, एक दिन आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं कि भाई वेट कितना करना पड़े, कि कोई भी कंपनी हो सकती है भाई कितना समय ले और कि उसके पास में पैसा है वो दे या ना दे, पैसा मिलेगा लेकिन अभी कोई पता नहीं कितना वेट करना पड़े। हाल फिलहाल के लिए गाइस वीडियो में देगा इस वीडियो बनाए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।